हेलो एंड असला फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम लोग ने अपनी पिछली वीडियो जो स्टार्ट की हुई उसी को पढ़ना है ठीक है जैसे कि आज संडे है तो मैंने वादा किया हुआ है कि संडे के संडे बीएससी बीएस ठीक है इन क्लासेस के जो लेक्चर्स हैं वो मैं अपलोड किया करूँगा तो पिछले संडे जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था डाइजेशन इन डीपेरियड उसका पार्ट वन जिसमें हमने तीथ और टंग के मतलब पढ़ा था आज हमने जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमने जो पढ़ना है ठीक है आज क्योंकि मैं एक नए तरीके से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि हॉलीडेज़ की वजह से मैं ज़रा बाहर हूँ तो इस वजह से आज मैंने इस तरह से पढ़ाने की कोशिश किया की मे भी आपको पसंद आएगा तो आज हमारा जो डाइजेशन इन वर्टिब्रेट्स है उसका दूसरा पार्ट होगा ठीक है डाइजेशन इन वर्टिब्रेट का दूसरा पार्ट होगा जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैविटी जो ओरल कैविटी है वो क्या है उसका क्या किरदार है डाइजेशन में और साथ हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो एसो फेग और स्टमक है उसका क्या स्टमक में हम लोग सिर्फ फंक्शन और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे उसकी सिक्रीशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इंटेस्टाइन के साथ ठीक है तो बगैर किसी देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओरल कैविटी की तरफ चलते हैं ठीक है जो ओरल कैविटी है इसकी हम लोग बात करते हैं कि ओरल कैविटी है क्या ठीक है और क्या क्या इसके फंक्शन है तो बेसिकली जैसा कि आपको वीडियो में भी नज़र आ रहा है जो ओरल कैविटी होती है ये वो जगह है जो कि मुंह के अंदर है कैविटी है अब इसकी अगर हम लोग बात करें तो ओरल वो है जिसे तीत लिप ठीक है और टंग। ये चार स्ट्रक्चर्स के दरमियान एक खाली जगह होती है ठीक है जैसा कि आपको नजर भी आ रहा है ये कि ये ट, लिप हमारे होंठ है पूरे के पूरे ठीक है उसके बाद होंठों के बिल्कुल नीचे दूसरे जगह पे ये वाले तीत है हमारे दांत हैं ठीक है उसके बाद ये बाहर से जब हम मुंह बंद करते हैं तो हमारे दोनों होंठ आपस में मिल जाता है तो सिर्फ बाहर से हमें लिप्स नजर आते हैं होंठ उसके अंदर दांत होते हैं दांतों के इर्द के ठीक है ये वाला एरिया जो आपको शायद सर्कल करते हुए नजर आ रहा है ये वाला एरिया ठीक है ये एरिया वो है जिसे आगे से ऊपर नीचे से आगे की तरफ से होंठों और दांतों ने कवर किया है साइडों से हमारी चिक्स जिन्हें गाल कहते हैं उन्होंने कवर किया हुआ है और ऊपर से पैलेटाइन ठीक है जी हार्ड और सॉफ्ट पैलेटाइन जिसे हम लोग कहते हैं इसने कवर किए हुआ है नीचे से टंग ने कवर किए हुए ठीक है टंग तो इन चार स्ट्रक्चर ने ठीक है लिप पहला टंग और तीथ इन्होंने जिस स्ट्रक्चर को जिस खाली जगह को कवर किया होता है ठीक है हम लोग उसे कहते हैं ओरल कैविटी अब ये जो ओरल कैविटी होती है जब हम लोग खुराक खाते हैं या सबसे पहले मुंह में ले जाते हैं तो जो जहाँ पे वो दांत उसे चबा रहे होते हैं तो वो जो खुराक या लुकमा जो भी है वो जिस खाली जगह में घूम रहा होता है कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा होता है वो जो खाली जगह होती है इसे हम लोग कहते हैं जी ओरल कैविटी ठीक है तो ओरल कैविटी के बाद अब हम लोग बात करते हैं जो ये जो ओरल कैविटी के हमने चार स्ट्रक्चर्स कहा था तो वो क्या क्या करते हैं जैसा कि पिछली वीडियो में हमने तीत के मतलब तो पढ़ लिया था कि तीत का क्या किरदार है डाइजेशन में ठीक है हमने पढ़ा था वो च्विंग के लिए जरूरी है मस्टिगेशन करता है खुराक के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करता है ये सारी चीज़ें हम लोग संडे uh, वाले दिन पढ़ चुके हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने बात करनी वो ये होगी कि जो बाकी तीन स्ट्रक्चर हैं जैसा कि लिप टांग ट की भी हमने सॉरी पिछली वीडियो में बात कर ली अब यहाँ पे सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स होंगे एक होगा लिप्स का और एक पलेंटाइन का तो सबसे पहले लिप्स की बात करते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे दो होंट होते हैं एक ऊपर एक नीचे यानी कि हमारे जो होट होते हैं ठीक है वो किस फॉर्म में होते हैं वो पेयर्स की फॉर्म में होते हैं ठीक है देर इज अ पेयर ऑफ लिप ठीक है हमारी होते हैं और ये करते क्या हैं ये बाहर से कोई चीज़ बगैर हमारी मर्जी के हमारे मुंह के अंदर ना चले जाए तो उससे रोकते हैं यानी कि ये प्रोटेक्ट करते हैं ओरल कैविटी को मुंह को कि कोई अनवांटेड चीज़ वो चीज़ जो हमारी मर्जी के बगैर है वो अंदर ना आ जाए अब ये जो ओरल कैविटी होती है ठीक है जी लि, सॉरी लिप्स होते हैं तो ये जो लिप्स होते हैं ये काफ़ी हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलि काफ़ी ज़्यादा सेंसटिव पार्ट होते हैं ठीक है उनमें से एक हैं वजह यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेंसरी नर्व्स होती हैं ठीक है सेंसरी नर्व्स ये जो होती हैं ये हमारे होंठों में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे होंठ हल्की सी भी टच हल, ए, इवन के बहुत ज़्यादा माइन्यूट या बहुत स्लो टच भी हो हम उसे फील कर सकते हैं नंबर वन ये स्केल्टल मसल होते हैं और इसके अंदर ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए हार्डली वेस्कुललाइज इसे कहा जाता है ठीक है वेस्कुरलाइज होते हैं अच्छा जी अब इसका एक और काम भी है जब हम लोग खुराक खाना शुरू कर देते हैं ठीक है लुकमा हमने मुंह में डाला एक निवाला और उसे चबाना शुरू कर दिया तो चबाते वक्त कहीं वो बाहर ना निकल आए तो उससे भी यह बचा रहे होते हैं खुराक को बाहर आने से रोकते हैं अच्छा जी देन उसके बाद अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो ओरल कैविटी की तरफ आते हैं ठीक है जी थी। ये जो लिप्स होते हैं हमने ये बात कर ली कि हमें खुराक से बचाते हैं ठीक है खुराक को बाहर नहीं आने देते जो ओरल कैविटी की तरफ आते हैं ये जो ओरल कैविटी है ये जो खाली जगह है ठीक है जी जो आपको नजर आ रही है ये ये हर वक्त कह सकते हैं बाथित होती है गीली होती है ठीक है इसमें हर वक्त एक लिक्विड मौजूद होता है अब उस लिक्विड को हम लोग कहते हैं सलाइवा ठीक है जी उस लिक्विड को हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं सलाइवा अब ये जो सलाइवा है ये बेसिकली एक वाटरी फ्लूड है ठीक है जी बिल्कुल इसकी कंपोजिशन जिस तरह पानी बिल्कुल पतला होता है ये बिल्कुल उसी तरह पतला है लेकिन पानी और इसमें एक फर्क होता है ये क्या जी ये थोड़ा सा स्लिपरी होता है इसकी जो कंसनटेशन है इसके अंदर एंजाइम्स वगैरह बाई कार्बोहाइड्रेट इन चीज़ों की वजह से ये थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है अब ये जो सलाइवा है ये हमारे मुंह में कहा से आता है तो बेसिकली हमारे मुंह में ठीक है तीन तरह के ग्लैंड होते हैं ठीक है हमारे मुंह में तीन तरह के ग्लैंड होते हैं जिनकी वजह से ये स्लाइव प्रोड्यूस होता है अब वो कौन कौन से ग्लैंड है हम लोग उनकी बात करते हैं तो जैसा कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है जो एक ह्यूमन है उसके मुंह के अंदर तीन तरह के ग्लैंड होते हैं ठीक है जी एक हमारी बिल्कुल जुबान के नीचे मौजूद होता है जिसे सब लिंगुअल कहा जाता है ठीक है लिंगुअल से निकला है ये वाला ग्लैंड की हम लोग बात करें सब ये यहाँ पे मौजूद होता है ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये सब लिंगल ग्लाइंड होता है ठीक है बिल्कुल जुबान के नीचे होता है अच्छा उसके बाद हमारा जो लोअर जा है जिसे मैंडिबल भी कहा जाता है ठीक है हमारे लोअर जहा को मैंडिबल कहा जाता है उसके नीचे भी सॉरी लोअर से थोड़ा सा ऊपर एक और ग्लैंड होता है जिसे सब मैंडिबलर ग्लैंड कहते हैं ठीक है थीके? ये वाला ग्लैंड इसे हम लोग कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड और एक तीसरा जो होता है वो हमारे बिल्कुल कानों के आगे ठीक है हमारा जो एयर्स होते हैं उसके आगे होते हैं और हम जानते हैं कि हमारी कानों वाली साइड को हम कहते हैं प्राइटल ठीक है जी तो उसी नस्बत से जो तीसरा ग्लैंड होता है हमारी बॉडी के अंदर उसे हम लोग कहते हैं पैराइटड ग्लैंड ठीक है ये वाला ग्लैंड और ये इसकी डायग्राम है अब ये जो प्राइटेड ग्लैंड होता है ठीक है ये तीनों ग्लैंड यहाँ पे दूसरी जो आपके पास है लेटरल व्यू दिखाया जाता है आपको नजर आएगा ये तीनों ग्लैंड एक एक नाली के जरिए एपिडर जो हमारे मुंह की खाली जगह है वहाँ पे आके ओपन होते हैं ठीक है थीके? ये एक नाली के जरिए क्या होता है जी हमारी ओरल कैविटी में आके खाली होते हैं यहाँ पे Glands की जो secretion होती है, वो होती है। और ये जो secretion होती है, इसे combine हम किस नाम से पढ़ते हैं, इसे combine हम कहते हैं saliva, तो वापस आते करता है क्या है ये हमारे खुराक को मॉइस्टर कर देता है नमी वाला कर देता है उसमें पानी भर जाता है ठीक है उसके अलावा ये उसे जब ये स्लिपरी कर देता है ठीक है तो हमारे दान जो होते हैं लगातार तोड़ होते हैं ठीक है बड़े टुकड़ों को छोटे में हमारी जो जुबान है उस लुमे को रोल आउट कर रही होती है जिसकी वजह से क्या होता है जी वो जो खुराक है वो जो लुकमा है वो एक जिस मर्जी शेप में हमने मुंह में लिया हो ठीक है लेकिन जब आप उसे गले से नीचे उतारते हो तो उसकी शेप एक जैसी नहीं रहती ठीक है वो जो आपने जिस शेप में डाला था वो उस शेप में नहीं होगा बल्कि एक डिफरेंट तरह की शक्ल में चला जाएगा उस शक्ल को हम लोग बोलस कहते हैं जिसकी आपको नजर जैसा कि ये रहा ठीक है यह अब नुकमा हमने जिस भी शेप में डाला था ठीक है छोटा था बड़ा था लेकिन हमारी दांतों की चबाने से च्विंगिंग करने से स्लाइवा की सिक्रीशन से ठीक है वो एक और जो हमारी जुबान है उसे बार बार रोल आउट कर रही होती है जिसकी वजह से हमारी जो खुराक या लुकमे की जो शेप होती है ठीक है वो चेंज होकर बॉल शेप में चली जाती है जिसे हम लोग कहते हैं बोलस ठीक है अच्छा जी देन उसके बाद फिर क्या होता है ये जो हमारी ओरल कैविटी है ठीक है यहाँ से खुराक को सॉलो किया जाता है निगल जाती है ठीक है निगलने के बाद वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से मेदे में जाती है उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं एसो फेगस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है सॉल्विंग का प्रोसेस जो हम लोग जानते हैं कि सॉल्विंग का प्रोसेस इनवोलेंट्री होता है ठीक है और एपिगलोटस ट्रिकिया को बंद कर देता है ठीक है जिसकी वजह से खुराक सीधी एसोफेगस में आ जाती है ठीक है तो यहाँ तक हमने ओरल कैविटी की बात की तो अब हम लोग बात करते हैं जी इसोफेगस ठीक है इसोफेगस की डेफिनेशन की तरफ आता है तो ये एक ठीक है हमारी ओरल कैविटी जो होती है ओरल कैविटी से फेरंगस फेरेंग्स है लेरन लेरेंग्स से एक नीचे ट्यूब आती है जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा रेड लाइन ये ट्यूब आके मेदे में खुलती है ये जो ट्यूब लाइक -like स्ट्रक्चर होता है ठीक है जी इसे हम लोग किस नाम से पढ़ते हैं इसे हम लोग कहते हैं लो है, इसोफेगस अब ये जो इसोफेगस होता है इसकी डेफिनेशन क्या जी ये गस मस्कुलर ट्यूब है ठीक है मसल से मिलकर बनी हुई ट्यूब है जो कनेक्ट करती है कहाँ तक जी स्टमक तक हमारे जो ओरल कैविटी से जो बोलस था वो नीचे उतर आया तो वो कहाँ जाएगा जी स्टमक में जाएगा हमारी फेरंग से या गले आप समझ ले गले से स्टमक तक एक नाली होती है जो इन दोनों को जोड़ती है जोड़ने का काम करती है उसे आप लोग कहते हो ईसोफेगस ये जो ईसोफेगस होता है ठीक है जी हमने अभी अभी डेफिनेशन में भी इसकी पढ़ लिया है कि ये क्या होती है ये मस्कुलर इन नेचर है मसल से मिल बनी होगी तो पहला पॉइंट इसका ये है ये मस्कुलर इन नेचर होती है उसके बाद इसमें ग्लैंड होते हैं ठीक है क्योंकि मैंने पहले स्टार्ट में कहा था कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ स्टमक का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे और हम लोग यहाँ पे डाइजेशन के लिहाज से देखेंगे सक्रियन के लिहाज से कि कौन कौन से इंजाम सेक्रिएट होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ इतनी बात करेंगे कि ये जो स्टमक होता है इसके अंदर वाली दीवार जैसा कि आपको वीडियो के अंदर ये वाला हिस्सा जो है ठीक है ये वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा ये आपको लाइनेस ही नज़र आ, आ रही होंगी बेसिकली वो लाइनें जो हैं वो इसकी इनर म्यूकोजा लेयर कहलाती है और इस लेयर के अंदर ग्लैंड होते हैं ठीक है जी जिसमें पैपसिन जिनको सक्रियट करने वाले ग्लैंड होते हैं एचसीएल को सक्रियट करने के लिए ग्लैंड होते हैं और म्यूकस को सक्रियट करने के लिए ग्लैंड मौजूद होते हैं इन ग्लैंड के स्ट्रक्चर इनकी डिटेल फंक्शन इन सक्रीशन का मैकेनिज्म ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट अगली जो वीडियो उसमें पढ़ेंगे लिहाजा यहाँ पे हमने सिर्फ इसका नाम ही लेना था उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग आते हैं तो जो है जी हमारा दूसरी बात जो स्टमक होता है ठीक है जी ये हमारे फूड को लेके जाता है ठीक है कहाँ पे जी फूड को हमारे को पुश करता है ईसोफेगस ईसोफेगस क्या करता है जी हमारे जो है खुराक है उसको पुश करता है कहाँ पे जी स्टमक में लेके आता है किस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होता है ठीक है जी एक वेव होती है ठीक है जी एक वेव का सिलसिला स्टार्ट होता है वेव ऑफ जिसे कहा जाता है रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन उसे हम लोग कहते हैं जी अब ये जो होती है इसकी डेफिनेशन आपको ये मिल जाएगी कि सॉरी यहां से थोड़ी सी गलती होगी जो है हम लोग कहाँ पे थे हाँ जी पेरिस्टालसिस की हम लोग बात कर रहे थे जो है ठीक है जी इसकी डेफिनेशन जो होती है वो आपको ये सामने बॉक्स में नजर आएगी मैं यहाँ पे जरा बॉक्स बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ठीक है ये वाला बॉक्स तो वो क्या जी ये अल्टरनेट वेव ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ठीक है जी ये जो एक लॉन्ग ट्यूब है जो आपको नजर आ रही है ठीक है जी ये मसल से मिलकर बनती है तो मसल्स क्या करते हैं एक सीक्वेंस के साथ सारे मसल इकट्ठे कंट्रैक्ट नहीं होते सारे मसल इकट्ठे रिलैक्स नहीं होते बल्कि क्या होता है एक सीक्वेंस के साथ कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है जिससे जो हमारा फूड है ठीक है हमारी जो खुराक है आप कह रहे हैं या वो जो बोलस है वो एसोफेगस से नीचे उतर रहा होता है अब किस तरह उतरता है तो हम लोग एक, एक स्लाइड और देखते हैं जैसा कि जी आपको ये नज़र आ रहा होगा एसोफेगस के अंदर जो पेरिस्टालसिस है ठीक है पेरिस्टालसिस का जो प्रोसेस शुरू होता है इसमें क्या होता है जो न्यूरॉन्स हैं उनके जरिए ये पैगाम आता है ईसोफेगस जो हमारा है उसके मसल्स तक ठीक है ये जो स्मूथ मसल्स हैं मसल मस्कुलर लेयर है इस तक ये लेयर्स के तीन काम करते हैं ठीक है इस लेयर्स में जो जो अंदर आपको बाहर की तरफ लाइट पिंक कलर नज़र आ रहा है और अंदर की तरफ ब्राउन कलर ये बेसिकली ये इसका खाली जगह है जैसा कि एक पाइप अंदर से खोखला होता है ये वो खाली जगह है इसे ल्यूमन कहा जाता है इसके अंदर म्यूकस ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं म्यूकस सक्रीड करते हैं म्यूकस सक्रीड करने की वजह से पहले से भी बोलस पहले से म्यूकस वा था अब ये जो ईसोफेगस की दीवारें हैं इसके इन्होंने भी म्यूकस सक्रीड किया तो ये पूरी की पूरी दीवार जो होती है सक्रीशन म्यूकस की वजह से स्लिपरी हो जाती है ताकि जो बोलस है वो ईजिली स्लिप करे और नीचे चला जाए इसके अलावा एक और जो पेरिस्टालसिस का मेकनिज़म होता है जो हम लोग बोलस जब हम खुराक को या निवाले को निगलते हैं तो जो पाइप है हमारी ये जो जिसे हम लोग फूड पाइप एस कह रहे हैं इसमें जो बोलस का ऊपर वाला हिस्सा होगा वहाँ पे जो मसल्स हैं ठीक है जी वहाँ पे मसल अंदर की तरफ कंट्रैक्ट होते हैं और बोलस के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में बेसिकली यहाँ पे मसल रिलैक्स होता है ठीक है आल्टरनेशन ऑफ वेव कंट्रैक्शन आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि मसल कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो क्या होगा जी जैसे ही जैसे ही हम आ, आ, क्या उसे कहते हैं बोलेस के ऊपर वाले मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे ठीक है जी नीचे वाले मसल रिलैक्स करेंगे तो एक कंट्रैक्ट रिलैक्स का सिलसिला स्टार्ट होगा ठीक है जैसा कि आपको इतने हिस्से में नज़र आ रहा होगा ये जो कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का सिलसिला स्टार्ट होता है ये ऊपर वाले मसल जो है कंट्रैक्ट करते हैं तो वो खुराक को नीचे की तरफ पुश करते हैं नीचे वाले मसल रिलैक्स होते हैं तो नीचे प्रेशर कम हो जाता है ऊपर कंट्रैक्शन की वजह तो से प्रेशर ज्यादा होता है तो बोलस ऊपर से नीचे आ जाता है नीचे आने के बाद फिर वही पास होगा कि यहां अब मसल कंट्रेक्ट करेंगे ठीक है ये वाले जगह पे यहां पे यहां पे मसल अब कंट्रेक्ट करेगा इतने हिस्से में और इस बॉलस से नीचे जो मसल्स होगा ये वाली जगह पे वो रिलैक्स करेगा जिसकी वजह से अब यहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया इस जगह पे और इस जगह पे प्रेशर कम होने की वजह से वो वह बॉलस नीचे की तरफ पुश आउट होगा नीचे की तरफ आ जाएगा इस तरह क्या होता है जी जो हमारी खुराक है वो ईसोफेगस में बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस हमारे हलक से हमारे गले से नीचे स्टमक में पहुंचती है ठीक है जी तो अब ये हमने डेफिनेशन की बात की थी पेरिस्टालसिस की डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है अब बात करते हैं जी ईसोफेगस का फंक्शन तो सिंपल सा एक फंक्शन है उसका ये लुब्रिकेट करता है बोलस को कैसे करता है हमने बात की कि इसके अंदर वाली जो ल्यूमन लेयर है ठीक है उसमें म्यूकस ग्लैंड होते हैं जैसे कि यहाँ पे हो गया कि इनर लेयर जो है वो म्यूकस ग्लैंड से लाइंड होती है म्यूकस ग्लैंड अच्छी तरह मौजूद होते हैं वो म्यूकस से क्रीड करते हैं जिसकी वजह से बोलस स्लिपरी हो जाता है मजीद दीवार स्लिपरी हो जाती है इसकी उसके बाद जो मसल्स होते हैं ठीक है जी वो क्या करते हैं जी अबव द फूड बोलस ठीक है जी कंट्रैक्ट जैसा कि ये हमारा बोलस है तो इससे ऊपर जो मसल है यहाँ पे वो कंट्रैक्ट कर रहे थे और जो बोलस से बिल्कुल नीचे वाले मसल थे बिलो द बोलस वो क्या कर रहे थे वो रिलैक्स कर रहे थे ये वाले मसल ठीक है जी यहाँ पे जो मसल थे तो हमने अभी देखा है कि मसल ऊपर कंट्रैक्ट कर रहे थे प्रेशर ज़्यादा हो गया नीचे रिलैक्स कर रहे थे प्रेशर कम हो गया तो फूड क्या हो होगा वो नीचे पुश आउट हो जाएगा जिसकी वजह से जो खुराक है हमारी वो गले से उतर कर कहा पर गई जी हमारे स्टमक में ठीक है जी तो इस तरह पेरिस्टालसिस का एक सिलसिला चलता है जिससे खुराक المعده तक पहुंचती है स्टमक तक पहुंचती है अब हम लोग बात करते हैं जी स्टमक की तो स्टम स्टमक की तरफ हम लोग आते हैं तो बल्कि नहीं यहाँ पे एक और बात रह गई जो हमने करनी थी जो सॉरी ये मुझसे गलती होगी थोड़ी सी जो ओरल कैविटी है ठीक है जी उसमें भी थोड़ी सी वेरिएशन होती है डिफरेंट जंडारों में ठीक है क्योंकि हमने वर्टिब्रेट के लिए ऐसे पढ़ रहे हैं तो जितने भी जानदार होते हैं उन लाजमी नहीं कि सभी में सलाइवरी स्लाइवरीग्लाइड मौजूद हों ठीक है जी यहाँ एसोफेगस जो होता है वो सब में एक जैसा नहीं होता बल्कि एक्सेप्शन होती है तो यहाँ पे एक वो हम लोग देख लेते हैं कि एक्सेप्शन क्या है जो डिफरेंट uh, एसोफेगस है जैसा कि फिशेस ठीक है जी मछलियाँ जिसे हम लोग कहते हैं उनमें और एम्फीबियंस में इनमें जो एसोफेगस होता है वो लेंथ कम होती है ज़ाहिर सी बात है अगर उनका बॉडी का साइज ही कम है एज कम्पेयर टू ह्यूमन या एज कंपेर टू मैमल तो उनका ज़ाहर सी बात है एस ओफेगस भी क्या होगा कम होगा उसकी लेंथ भी क्या होगी कम होगी उसकी लेंथ भी थोड़ी होगी ठीक है उसके बाद दूसरे नंबर पे जो हम लोग बात करते हैं जी जो एमनी होते हैं ठीक है जी एमनीट्स होते हैं इनकी जो नेक है ज़ाहर सी बात है लॉन्गर होती है तो उनके अंदर जो एस ओफेगस होगा ऑब्वियसली क्लियर बात हो गई कि वो भी लंबा होगा उसकी लेंथ भी ज्यादा होती है ठीक है अब हम लोग बात करते हैं जी बर्ड्स की तरफ परिंदों की तरफ जरा बात कर लेते हैं जी क्योंकि वो भी वर्टिब्रेट की कैटेगरी में आते हैं हमने पहले भी बात की है तो अब उसकी तरफ भी आते हैं जो ग्रेन है ठीक है जी और सीड ग्रेन और सीड ईडिंग जो बर्ड्स होते हैं इनके अंदर जो एसोफेगस होता है वो आखिर पे जाके वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है जिसे हम लोग क्रॉप का नाम देते हैं ठीक है जिसे हम लोग सॉरी गिजर्ड और क्रॉप ये दो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं तो जो ग्रेन और सीड ईडिंग बर्ड होते हैं ठीक है जी उनमें क्रॉप डिवेलप हो जाता है ठीक है उनमें क्या डिवेलप होता है क्रॉप ये जो क्रॉप होता है ये वाला स्ट्रक्चर ये बेसिकली डिस्टल पोर्शन होता है आप ये भी कह सकते हैं कॉर्डल पोर्शन होता है आखिरी हिस्सा होता है किसका जी एसोफेगस का बर्ड्स के अंदर सीड ईटिंग और ग्रैन ईटिंग बर्ड्स के अंदर ये आखिरी हिस्सा होता है ठीक है और मैमल्स के अंदर तो अभी हमने एक वीडियो देखी हुई है ठीक है अभी स्लाइड आपने देखी थी ये वाला कि मैमल्स के अंदर तो एक लंबी सी ट्यूब होती है तो इसी वजह से हमने यहाँ पे कहा है कि जो एसोफेगस है मैमल्स के अंदर वो काफ़ी लंबा होता है काफी चौड़ा होता है ठीक है तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने एसोफेगस पढ़ा है स्टमक पढ़ा है ठीक है जी और ओरल कैविटी पढ़ा स्लाइवा के सिक्रेशन के लिए तीन ग्लैंड होते हैं वो पढ़ा जो डिफरेंट डिडिफर है उनके अंदर स्क्रीशन में क्या फर्क आता है हमने वो पढ़ा कि